हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अलमेट डाउट्स पर। चलिए शुरू करते हैं अभ्यास 4KC। प्रश्न नंबर पहला है, अपनी अभ्यास पुस्तिका पर दो समांतर रेखाएं ए बी और सी डी खींचिए। दो समांतर रेखाएं खींचना है ए बी और सी डी का। सबसे पहले हमें खींचना है ए बी और सी डी का खींचना है न, तो समांतर रेखाएँ खींचें ए, ये ए और बी, और क्या कह रहा है सी डी का समांतर रेखा खींचना है। यहाँ पे सेम समांतर रेखा ए बी सी और सी डी का खींच देते हैं। ये क्या है सी और डी का समांतर रेखाएँ खींच दिए। क्या कह रहा है बिंदु ए और सी पर क्रमशः 30 अंश। क्रमशः क्या है 30 अंश। ये क्या है, ये क्या है 30 अंश। ये कितना है 30 अंश का है, 30 अंश का है। और ए क्या है 30 अंश है और सी क्या है 60 अंश का है। सी क्या है 60 अंश का है। ये कितना है 60 अंश का है, 60 अंश का कोण बनाती है। तो रेखाखंड ए एम, ये जो है ए एम, इसको मान लेते हैं एम, ए एम और सी एम, ए एम और सी एम, ए एम और सी एम बनाइए। कोण ए एम सी का माप ज्ञात कीजिए। ए एम सी का माप ज्ञात करना है, तो ये बताइए 30 और 60 कितना हो जाएगा। ये कोण कितना बनेगा 90। तो कोण ए एम सी बराबर 90, ये हमारा आंसर हो गया। प्रश्न नंबर दूसरा, पटरी और प्रकार की सहायता से एक वर्ग की रचना कीजिए, जिसकी प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर हो, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर ये है ए, ये है बी, ये कितना 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब कह रहा है कि वर्ग की रचना कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर, विकर्ण की लंबाई को माप के अंत कीजिए। तो हमें वर्ग के प्रत्येक भुजा जो होता है 90 अंश का होता है, वर्ग जब प्रत्येक भुजा होता है वो 90 अंश का होता है, और चारों भुजाएं जो होती हैं बराबर होती हैं। तो सबसे पहले हमको एक चाप काटना है, चाप बना के जैसे चाप काटेंगे, ये कितना होगा 90 अंश करेगा, ये 120 अंश करेगा, 120 अंश करेगा। इस कोण को मानेंगे तो इधर से चाप लगाएंगे, इस केंद्र को मानेंगे तो इधर से चाप लगाएंगे, तो ये इसे लाइन से खींच देंगे, कितना बनेगा 5 सेंटीमीटर खींचना, बड़ा हो जाएगा ये, अपने खींच लेना अपने उससे, सेम भुजाएं सेम होनी चाहिए इस लंबाई की। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसका भी सेम ही प्रोसेस करना है, इसको बनाना है, ये 90 अंश का ये हो जाएगा, 120 अंश का ये कट जाएगा, इसको यहाँ पे लेके जाना है, ये भी ऐसे बनेगा, ये बनेगा 90, 120, एक ये हो जाएगा भुजा, इसको ऐसे इस तरह से काट देंगे, ये हो गया। अब ये क्या कह रहा है, विकर्ण की लंबाई को माप ज्ञात कीजिए, बी सी, सी और डी, इसको सी डी मान लेते हैं, विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। विकर्ण जो होता है, यहाँ पे सीधे लाइन खींच दीजिए, जो लाइन जा रही है इसको विकर्ण कहते हैं, विकर्ण। और ये ए सी जो है, ए सी को माप कर उसका नाम लिखिए, जो ए सी है, ए सी बराबर होता है 7.1 सेंटीमीटर लगभग आएगा, लगभग आएगा, यही हमारा आंसर है। नंबर तीसरा, 4 सेंटीमीटर के रेखाखंड ए बी के अंत बिंदु ए पर कोण बी ए सी 60 अंश की रचना कीजिए, बिंदु बी ए सी के समांतर है। सबसे पहले हमें खींचना है 4 सेंटीमीटर का रेखाखंड, 4 सेंटीमीटर ये है ए बी, ए और बी, ये कितना है 4 सेंटीमीटर। ए बी के अंत तो ए, ए है, तो क्या बी ए सी, बी ए सी जो बीच में रहता है, जहाँ दो रेखाएं जुड़ती हैं उसी को हम कहते हैं, जहाँ दो रेखाएं जुड़ती हैं बी ए सी, तो ये हो जाएगा सी। देखिए बीच में है ना, जहाँ दो रेखाएं जुड़ती हैं
दो रेखाएं, जहां दो रेखाएं जुड़ती हैं उसी को हम कहेंगे, ठीक है, बीच को। ये हो गया, ये कितने अंश का बनाता है? 60 अंश का बनाता है, ठीक है, 60 अंश का बनाता है। अब क्या कह रहा है, बी बी ए सी 60 अंश की रचना कीजिए। बिंदु बी से ए सी, ये हो रहा है। अब हमें बी से बनाना है ना, तो बी से हम इस तरह से खींच देंगे, इधर से ले आएंगे, ये कितना बना देंगे, 60 अंश का बना देंगे, ये हो जाएगा। तो ये हमारा समांतर रेखा बन गया। देखिए समांतर रेखा बना कि नहीं, समांतर हमारा समांतर रेखा, ये हमारा आंसर हो गया। प्रश्न नंबर 14, एक त्रिभुज ए बी सी की रचना कीजिए, जबकि बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर, सी ए बराबर 8 सेंटीमीटर और ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर। ए बी के मध्य बिंदु से बी सी के समांतर रेखा खींचिए। सबसे पहले दिया है बी सी, तो हम लिखेंगे बी सी बराबर 4, फिर दिया है सी ए, सी ए बराबर 8, और दिया ए बी, ए बी बराबर 6। ये दिया, अब क्या करें कि ए बी के मध्य बिंदु बी सी के समांतर रेखा खींचे, ठीक है। तो हम बी सी दिया, तो बी सी के हम 4 सेंटीमीटर खींच देते हैं, बी सी के 4 सेंटीमीटर खींच देते हैं। ये स्केल है, अपने स्केल ऑपरेटर के हिसाब वहाँ पे कर लीजिएगा आप लोग खुद ही, ठीक है। 4 सेंटीमीटर खींचे, ये क्या है बी सी, बी और सी कितना 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि ए बी के मध्य बिंदु से बी सी के समांतर रेखा खींचे, जो ए सी के, ए सी के बिंदु पर एम पर काटे, ए सी, तो क्या कर रहा है सी ए। तो सी ए बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चाहे किधर से बना दीजिए, तो 8 का हमें क्या बनाना है, चाप लगा देंगे। 8 का हमें क्या लगाना, ऐसे चाप लगा देंगे, चाप लगा देंगे। तो चाहे इधर से ए मानिए, चाहे इधर से मानिए, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें यहाँ पे वो काटना है, अभी अंश का वो काटना, तो अभी ऐसे एक की बढ़ाएंगे, ये हो जाएगा। और फिर यहाँ से एक बिंदु ले आएंगे इधर से, ये हो गया। अब क्या है, ये होता है ए, हो गया, ये हो गया ए बी और ये हो गया ए सी, हमारा त्रिभुज बनके तैयार हो गया। अब क्या कह रहा है कि ए बी के मध्य बिंदु से बी सी के समांतर रेखा खींच गया, जो ए सी के मध्य बिंदु पर यम काटता है। तो यम काटने के लिए सबसे पहले हम चाप लगाएंगे, ऐसे ऐसे चाप लगाएंगे, ये काट दिए हम, कट दिया, क्या है, ये हो गया एम, क्या है यम, ए एम इंटू एम सी, ए सी को एम पर काटे और ए एम तथा सी एम की लंबाई को माप कर लिखिए। तो लंबाई को माप को लिखना है हमें, तो ए सी कितना दिया था, सी ए कितना दिया था, 8 दिया था, तो ए बी कितना दिया था, 6 दिया था, ठीक है। तो इसका हमें क्या करना, ये 8 8, ये बढ़ गया ना, ये आधा आधा होगा ना, ए एम बराबर कितना होगा, 4 होगा, और तो सी एम बराबर कितना होगा, 4 होगा। जैसे ये क्या है, ये जैसे ये आधा आधा बटा, तो ये आधा आधा इसमें भी बढ़ जाएगा, 3 ही हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। जैसे 4 सेंटीमीटर ये था, तो आधा इसमें भी तो गया, तो 2 सेंटीमीटर ये होगा, 2 सेंटीमीटर ये हो जाएगा। ये क्या कह रहा है कि ए एम तथा सी एम की लंबाई को माप कर लिखिए, क्या ए एम और सी एम है, हाँ ए एम बराबर सी एम है,